मैंने एक वीडियो देखा कि 1,000 सब्सक्राइबर, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर और साथ में 4K जो वॉच टाइम है ना, इसके पीछे मत भाग। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच आवर के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है? क्योंकि जो लोग नए लोग YouTube चैनल बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उनका बस एक ही चीज रहता है भाई, एक ही सपना रहता है कि बस किसी तरह जो है ये हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हम जितने भी वीडियो डालेंगे उसके पैसे आने लगेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसके पीछे नहीं भागना है, इसको पूरा नहीं करना है। देखो, भागना है लेकिन किस प्रकार से भागना है, किस प्रकार से दौड़ना है, ठीक है? किस प्रकार से दौड़ना है कि भाई हमारा ग्राफ ऐसे जाए, बल्कि ऐसे नहीं, एक बार ऐसे गया फिर ऐसे हो जाए ग्राफ, ठीक है? तो इस वीडियो का तात्पर्य क्या है, इस वीडियो का अर्थ क्या है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। जो नए यूट्यूबर हैं, जो बेसिकली भी मेहनत कर रहे हैं, जो यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये यूजफुल है ही, और जो पुराने क्रिएटर हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखो क्या होता है ना कि जब 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम जब हो जाता है, अभी तो यूट्यूब ने ये क्राइटेरिया कम कर दिया, अब 4,000 की जगह 3,000 ही कर दिया है, ठीक है, 3,000 ही कर दिया है, 3,000 वॉच टाइम ही कर दिया, तो 3,000 वॉच टाइम में ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1,000 घटा दिया, ठीक है? तो चलो चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा, चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपके जब आपको टोटल, आपको पता है जब आपको लगभग $100 आपका गूगल एडसेंस के अकाउंट में होगा, तब ही जो है वो यूट्यूब आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा, चाहे ये आपके 2 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे 4 महीने में हो, चाहे 5 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 1 दिन में हो, ठीक है? आपके $100 पूरे होंगे सब महीने का मिल के, या फिर एक ही दिन में हो जाए कि $100 होगा, तभी YouTube आपके अकाउंट में पेमेंट भेजेगा, ठीक है? तो वीडियो का तात्पर्य यही है कि रोज वीडियो बनाओ। आपको अपना सब्सक्राइबर नहीं देखना कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपको बस अच्छा कंटेंट डालना है। देखो जब आप अच्छे कंटेंट डालोगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वीडियो की कैटेगरी चूज करो, ठीक है? किस कैटेगरी पे आप लोग वीडियो डालोगे, ठीक है, कैटेगरी चूज करो। सबसे पहले क्या चूज करना है आप लोगों को, कैटेगरी चूज करना है। आप लोग सबसे पहले कैटेगरी चूज करो कि किस कैटेगरी पे आप वीडियो बनाओगे, और जब आप लोग कैटेगरी चूज कर लेते हो कि हाँ भाई अब फिक्स है कि मुझे इस कैटेगरी पे वीडियो बनाना है, उस कैटेगरी पे आप लोग रिसर्च करना शुरू कर दो, बिल्कुल डीप में जाके रिसर्च कर लो, जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाके रिसर्च कर लो, पता करो कि इसमें कैसे वीडियोस बनाए, बेस्ट वीडियोस में कैसे बनाए, बेस्ट ऑडियो भी एडिट करो, वीडियो भी एडिट करो, सबसे पहले अच्छा एडिटिंग सीखो, सब कुछ पहले सीखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, लर्न करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना है, ठीक है, आपको सीखना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सीखना है। आपको जब आप सीख जाओगे उसके बाद काम करना स्टार्ट करो, उसका टारगेट बना लो कि मुझे 1 महीने में, 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में इतने वीडियो अपलोड करने हैं। आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है कि 1 महीने में मुझे इतने वीडियो डालने ही डालने हैं। आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम नहीं देखना, आपको बस काम करना है, मेहनत करना है अच्छे कंटेंट में, और जो आपका 1 मंथ का टारगेट है इसको पूरा करना है, एनी हाउ पूरा करना ही करना है, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरे महीने में मुझे इतने वीडियोस डालना है। उससे क्या होगा ना कि जब मान लो, मानते हैं आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है, आपका 1,000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर और 3,000 वॉच टाइम हो गया, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, मान लो उसके बाद जैसे मेरे इस चैनल जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हो, 7 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, 7 लाख सब्सक्राइबर है, तो ये मेरा जो चैनल है वो दूसरे कंटेंट में था, जिस कारण मैंने सारा कंटेंट प्राइवेट कर दिया, उसमें बहुत अच्छे व्यूज आते थे और मुझे लोगों को सिखाना था, इसलिए मैंने इस कैटेगरी को चूज किया, इस कैटेगरी में व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो 7 लाख सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो डालता हूँ 100 व्यूज आता है, या फिर मान लो 50 व्यूज आता है, या 500 व्यूज आता है, ठीक है? तो जब ज्यादा व्यूज आएगा, देखो अभी क्या है, अभी मेरी अर्निंग बहुत लो हो गई, बहुत ही ज्यादा लो हो गई, ठीक है, और इस चैनल से मैंने 1.5-2 लाख रुपए मंथली अर्न किया है, लेकिन अभी लो हो गई। क्यों लो हो गई, क्योंकि चलो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर मोनेटाइज है लेकिन व्यूज मतलब लो है, तो इसका इसका तात्पर्य यही क्या है कि इसका तात्पर्य क्या है कि मुझे बस डेली वीडियो अपलोड करना है, व्यूज बढ़ेगा, ठीक है, व्यूज खुद, अगर मैं रोज काम करूंगा तो व्यूज खुद बढ़ जाएगा, खुद बढ़ जाएगा तो अर्निंग खुद पे खुद बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको काम के पीछे भागना है कि भाई मुझे इतने काम करने हैं। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम गेन करना है, आपको बस ये है कि मुझे इतना वीडियो अपलोड करना है, एनी हाउ मुझे इतना वीडियो अपलोड करना है तो करना है। जिस दिन आप ये ठान लोगे, आप अपना सब्सक्राइबर, मेरे इतना सब्सक्राइबर बढ़ाना है वो छोड़ दोगे ना, आप बस ये ठान लोगे कि मुझे इतना वीडियो डालना है तो डालना है, मुझे 1,000 वीडियो 1 महीने में डालना है तो डालना है, एनी हाउ डालना है, मुझे 1,000 वीडियो 1 महीने में एनी हाउ अपलोड करना है। जिस दिन आप ये ठान लोगे ना, आप याद कर लो, आप 1,000 सब्सक्राइबर के, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो बहुत जल्दी गेन कर लोगे। इसलिए कहता हूं कि 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको भागना है तो किसके पीछे, वीडियो के पीछे, कंटेंट के पीछे, कि मुझे
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है और लोगों से ज्यादा कंटेंट देना और लोगों से ज्यादा अच्छा समझाना है, ठीक है। आपको इन सब चीजों के पीछे भागना है। जिस दिन आप इन सब चीजों के पीछे भागने लगोगे, आप बहुत ही तेजी से बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।